जम्मू कश्मीर की धरती के सपूत माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें, जम्मू कश्मीर की समस्याओं, यहाँ की आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होते हुए आप केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बीच जो महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए समस्त जम्मू कश्मीर वासियों का आपको दिल से धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान दे लो पुरुष गृह मंत्री सारे सारे दे प्रिय ते सारे सारे दे हर दिल अजीज आदरणीय अमित शाह जी दा जम्मू दी पावन धरती पर शूरवीरें दी सरजमीन उपर मता मता स्वागत, मता मता अभिनंदन। उंदे कन्ने बैठे दे केंद्रीय मंत्री परिषद दे साडे वरिष्ठ साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, इत्थे दे तुहाडे निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद जुगल किशोर जी, ये विशाल जन समूह, मौसम नसाज है, बरखा कुसले भी लगी सकती है, भी ये बल्दे दे बैठे दे बलगार दे, दूरा दूरा आए दे ने, इंदे च बुजुर्ग भी हैं, याने बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, इन्ना सबर करिए की बलगार दे, ये बलगार दे इस वास्ते कि ये अभिलाषी न अमित शाह जी दे दर्शने दे, ये मुरीद न अमित शाह दे, ये मुरीद न, कि हुण भी की नहीं, हुण भी की नहीं। इतिहासकार आखदे न सन 1947 च जे हिंदुस्तान दे गृह मंत्री सरदार पटेल नहीं होंदे ते जम्मू कश्मीर दा इतिहास किश होर हुंदा, जम्मू कश्मीर दा नक्शा किश होर हुंदा। ये सरदार पटेल है जिन्हें पंडित नेहरू की मर्जी के खिलाफ कर्नल मानिक शाह की हुक्म दिता, जिहड़े बाद फील्ड मार्शल मानिक शाह बने के करनैल साहब, अपनियां फौजां भेजो कश्मीर ते पाकिस्तान दे कवालियों कोला कश्मीर की बचाओ, जम्मू कश्मीर की बचाओ, ते उहदे परंत हमलेवारें की पछाड़िया गया ते जम्मू कश्मीर सरदार साहब ने हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाया। 70 बरे गुजरी है दोस्तों, 70 बरे इस इंतजार पे कोई होर महापुरुष धरती उपर उतर है ते सरदार साहब का छोड़े का अधूरा काम पूरा करे ते जम्मू कश्मीर कई बरे का इंतजार करता रहा भी दिल्ली के नॉर्थ ब्लाक है जिहड़ा होम मिनिस्ट्री का कार्यालय है जिस कुर्सी उपर सरदार पटेल बौंदे है उत्थे कोई ऐसा महानुभाव आइए बवै भी जिहड़ा काम उन्हें शुरू किया हो सर अंजाम होए। असें सारे देखिया, तुसें भी देखिया 5 ते 6 अगस्त 2019 की गृहमंत्री के रूप में अमित शाह जी ने जिस चाली नवा विधेयक लिया संसद ते कई बरे थों चला रही एक संवैधानिक त्रुटि का निवारण किया, कई बरे थों चला रही एक मानवीय ना इंसाफी का प्राश्चित किया, कई बरे थों चले आ रहे एक इतिहासिक विडंबना का प्राश्चित किया, तो जम्मू कश्मीर की एक नई नवी दिशा दी, एक नवी दशा दी, एक नवी व्यवस्था दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर वास्ते जिहड़ी सोच है, जिहड़ी विजन है, जिहड़ी कल्पना तसव्वुर है, उसी धरती उपर उतारने का काम जे कुसै ने किया है तो अमित भाई ने किया। मोदी जी की विजन जम्मू कश्मीर दे वास्ते उनकी कल्पना की, जे कुसै ने अमली जामा पाने का काम किया है तो अमित भाई शाह ने किया है। तुसीं चेता होग प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने क्या गलाया हा, उन्हें आख्या हा मुल्क के वो हिस्से वो क्षेत्र वो राज्य जिहड़े पिछड़ी दे जिहड़े मुख्य धारा तो दूर रही दे उन्हें मैं बराबर सतह पर लियाइए विकास कर, भावें पूर्वोत्तर होए भावें जम्मू कश्मीर होए। तो उहदे परंत कोई ऐसा दिहाड़ा नहीं गुजरिया, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरिया जिसलै मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं की हो। असी पैकेज भी दिते, प्रोजेक्ट भी दिते, तो संवेदनशीलता की इतनी इंतहा कि 2014 च सरकार बनने के किछ महीने बाद इत्थे एक प्रकोप आया बरखा का सैलाब का, कई ग्रां रुड़ी इत्थे उधमपुर साढ़ा पूरा पूरा ग्रां रुड़ी है, चार ही घर बरखा करने रुड़ी है, श्रीनगर का सारा सारा शहर पानी च डुबी आ। तो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली दियाली अपने घर नहीं मनाई, अक्तूबर महीने च जम्मू कश्मीर आए। मिगी पली भत याद है दियाली के ध्याड़े बन लिया, अस इत्थे पुजे, पहली बैठक मोदी जी ने इत्थे ली थी,
इकबाल खांडे उस वेल्लै चीफ सैकटरी होंदे कन्नै अधिकारी कन्नै बेहियै इस गल का समाधान किया हुआ है कि उदों पर एक पूरा पूरा ग्रां रुड़ी गया तो उहदे बाद अस श्रीनगर पुजे। तरकाल होंदे होंदे जिसले लोग दीए लाण लगे पटाके की आवाज आउण लगी तो मोदी जी बाढ़ ग्रस्त लोगों के बिच कश्मीर च बैठे थे। नहीं साड़ा प्रधानमंत्री तो नहीं उनकी चिंता। तो अज कैसा अजीब संजोग है भी अज पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी का दी जयंती भी है तो पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी की सच्ची श्रद्धांजलि देने दे काम करने वाले साढ़े महापुरुष साढ़े बिच बैठे थे अमित शाह जी। क्योंकि प्रेम नाथ डोगरा जी ने सभा प्रसाद मुखर्जी कने लड़ी है जिस जदोजहद की शुरू किया जिसे त्रै त्रै पीढ़ियां परवान चढ़िया उसी अगर उसने मंजिले मखसूस तक पहुँचाया तो अमित भाई शाह ने पहुँचाया। मोदी जी ने जिहड़े जिहड़े कमें की हुण गणार थे मनोज भाई वड्डी गल ते है कि ना छड़े नवे काम शुरू किए बड़े रुके दे भी काम भी पटरी पर दे। मता दूर के जाना है कठुए तुहाड़ा 40 वरे का रुके का शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के सीधा दरियाए रावी का सारे का सारा पानी पाकिस्तान जाता अज साल चो डैम तैयार हो जाना कंडी के लोगों भुली जाना कंडी कंडी की गलांदे है। पक्कल डूल का 1000 मैगावाट का प्रोजेक्ट किश्तवाड़ा च ये सारे काम इस वास्ते हो कि मोदी जी की सरबराही है तो अमित शाह जी की सरप्रस्ती है तो ये एक प्रगतिशील दौर है साढ़ा जिदे च अस गुजरने। मोदी जी ने अगले दिन गलाया जे दिल्ली ते जम्मू कश्मीर के बीच जिहड़ी दिल की दूरी है उसी पूरा करने का काम करना है तो उस दिले की दूरी की पूरा करने का काम अपने दिले के टुकड़े अमित शाह जी की सौंपया। मता किश नहीं गलाना अस सुरक्षित हाँ अस अपने आप की महफूज समझने क्योंकि सरबराही मोदी जी की सरप्रस्ती अमित शाह जी की अंत कई बार इतना आखना कि आओ अस रलीए प्रण करचै अहद करचै संकल्प करचै कि अस रलीए जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर के आस्ते मोदी जी की उंगली पकड़िए अमित शाह जी के संरक्षण में जम्मू कश्मीर की मोदी जी की नवीन भारत नवे हिंदुस्तान न्यू इंडिया की विकास यात्रा का हिस्सा बनाचै ताकि कल जिसले हिंदुस्तान विश्व पटल पर विश्व मूर्ति बने का खड़ोते हुए तो जम्मू कश्मीर मुकट नूर एक दूरा लभे तो असी फकर महसूस हो असी गर्व महसूस हो मता समय नहीं लगता हो एक बार परतीय मता मता अभिनंदन मता मता स्वागत।